दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मई 2024 दिन गुरुवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों जो काम पिछले कुछ समय से रुका या अटका हुआ था उसके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं। आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के आज सामने आएगी। अपने प्रतिद्वंदियों पर सफलता और विजय की आपको आज प्राप्ति होगी, परंतु अपने क्रोध व आवेश पर काबू रखना आपके लिए आवश्यक है। कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, जिससे पारिवारिक सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति पैनी नजर रखना आपके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ आपको बता दें, अचानक से धन लाभ प्राप्ति के भी आपके लिए आज योग बन सकते हैं और आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आप अपने कर्म पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बेहतर दिशा देने का प्रयास करें, जिससे समय के अनुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपको बता दें, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आपको आज जरूरत भी रहेगी। भाइयों से संपत्ति व बंटवारे संबंधित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा। आपसी संबंधों को आप ना बिगाड़ें। युवा वर्ग अपने करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। साथ ही साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर संबंधित समस्याओं का आज समाधान भी होगा, जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे। आप भी अपनी कौशल क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, व्यय के कार्यों में धन खर्च होने के भी योग प्रबलता से आज बने हुए हैं, इसलिए आप धन खर्च करें बहुत सोच समझ कर करें। भूमि या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्जा आपको लेना आज पड़ सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खरीदारी संबंधित योजनाएं बनाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बता दें, आप लोग व्यवहार कुशल होते हैं, आप बुद्धिमता व होशियारी से सभी काम आज कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों में ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रति सजग रहें। रिश्तेदारों से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा भी किसी की माध्यमता से आज हो सकता है, परंतु आपका भावुकपन और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी। इन पर विजय हासिल करें। साथ ही साथ यदि आप कोई निवेश करते हैं तो नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपना ही अहित आज कर सकते हैं, थोड़ा सचेत रहें। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्नति से संबंधित किसी शुभ समाचार की आज आपको प्राप्ति भी होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आपको आज प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे तथा उसका परिणाम भी उनको उचित ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, जिसका वह काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ कोई भी ऐसा वाद विवाद आप ना करें जिससे कि आपको
कानूनी किसी कार्रवाई में पड़ना पड़े, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, परंतु संतान का कोई जिद्दीपन या नकारात्मक रवैया आपकी चिंता का कारण बन सकता है। साथ ही साथ कामकाज में चली आ रही शिथिलता का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी आज पड़ेगा, परंतु जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को बनाकर रखेगा। साथ ही साथ घर परिवार की सुख सुविधाओं के प्रति आपकी आज प्राथमिकता रहेगी, परंतु बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां आज बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होने के साथ साथ आपको उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। लव लाइफ के नजरिए से आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होगा। इस दिन का आप भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें व्यापार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा। अपना पूरा जोर मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन पर लगाएं। नौकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपके सहकर्मियों का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना भी अति आवश्यक है कि आपकी कोई महत्वपूर्ण व्यवसायिक गतिविधि आज लीक भी हो सकती है। कर्मचारियों की गतिविधियों पर आप पैनी नजर रखें, परंतु जल्द ही परिस्थितियां काबू में आ जाएंगी, इसलिए पूरे जोश से अपने काम के प्रति आप एकाग्रचित रहें। सफलता आपको आज अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ कार्य विस्तार की योजना कार्य रूप में परिणित होगी, परंतु उस योजना पर पुनः निरीक्षण जरूर करें। साथ ही साथ नौकरी में हल्की फुल्की परेशानियां भी आ सकती हैं, परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परेशानियों का हल शांतिपूर्ण ढंग से ढूंढ ही लेंगे। साथ ही साथ कारोबारी हालत दिन प्रतिदिन सुधरेगी। कर्मचारियों द्वारा आपके काम में पूरी सहायता मिलेगी। अफसरों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। साथ ही साथ बता दें आपके लिए व्यापार में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर आप विजय हासिल करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत व परिश्रम की आपको आवश्यकता है। राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे, परंतु नई पार्टियों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। अनुचित कार्यों से आप दूरी बनाकर रखें। जय दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें आज आपको आर्थिक लाभ प्राप्ति के प्रबल योग हैं, धन लाभ के प्रबल योग हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है, इसलिए जो भी काम करें मन से करें और विश्वास रखते हुए करें वह काम आपका अवश्य ही सफल होगा। दिन आपके लिए आज बहुत ही अच्छा साबित होगा, इस दिन का आप भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें अत्यधिक मेहनत की वजह से थकान व दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए ज्यादा गरिष्ठ व तला भुना भोजन करने से आप परहेज करें। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें और पानी भी आप अधिक से अधिक पिएं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहने वाला है 1 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है बादामी। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, किन किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें आज आप संभव हो सके तो रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें, ऐसा करने से फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, फैमिली में आपको खुशनुमा वातावरण देखने को मिलेगा और आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ संभव हो सके तो आज आप धर्म स्थान के लिए, मतलब कोई भी आसपास के मंदिर है धर्म स्थान के लिए, आप ध्वजा यानी कि झंडे का दान करें, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति
प्रबल होगी और साथ ही साथ आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी और करियर में आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आपको आपके भाग्य का पूरा 94% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।